देवकालीन भारत स्वर्गादपि गरियसी। मौर्यकालीन गुप्तकालीन भारतवर्ष धन धान्य की खान एक विश्वकुल मुगल कालीन भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया मात्र ब्रिटिश कालीन भारत से साक्षात्कार करता एक जीवित जानवर आजाद और लोकतांत्रिक भारत के 54 वर्ष एक जर्जर मृत्यु विशाल काय डायनासोर का कंकाल कितनी सुहानी पहिए के आविष्कार से पुष्पक विमान तक की यात्रा जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। कहां से चले कहां आ गए हम, हमने तो उठाए थे उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कदम, लेकिन पश्चिम से उठे हवा के थपेड़ों ने और अपनी ही नीयत के खोट ने स्वर्ग से नरक बना दिया भारतवर्ष को। ऐसे ही भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का भगीरथ प्रयास कर रहा है नव भारत जागृति केंद्र। हमारे अभी जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं उनमें एक तो है शिक्षा, शिक्षा बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें साक्षर बनाना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, ये एक सर्वप्रमुख प्राथमिकता है। साथ ही साथ महिला विकास का काम जो है जिसमें कि स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, उन्हें जागरूक बनाना, अपने अधिकारों को समझाना और सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं वो हासिल कर सकें, जो महिलाएं हैं विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध हों, उसके साथ साथ जो मानसिक रोगी हैं, जो डिसेबल पर्सनस हैं, तो उनके लिए हमारा कार्यक्रम एक प्राथमिकता है। क्षेत्र कोई भी हो सारे वातायन खुले हैं क्योंकि लक्ष्य है सार्वभौमिक। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारतवर्ष बचपन में स्कूल के समय से उठने वाली हृदय की हूक आवाज बनी और गिरिजा सतीश इंजीनियरिंग के अपने 3 अन्य सहपाठियों के साथ जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचे, संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित करने का प्रण लेकर। पारिवारिक और आर्थिक विषम परिस्थितियां, सामाजिक विरोध, उस पर भी स्कूल के दिनों से ही जारी गिरिजा सतीश के समाज सेवा के चर्चे जीपी पहले ही सुन चुके थे। शर्म की बात है कि 25 वर्षों से झारखंड राज्य में पंचायत का चुनाव आज तक नहीं हो पाया। सपने जब गिरिजा सतीश की आंखों में तैरते दिखाई दिए तो जेपी ने कार्य प्रारंभ करने के लिए 20 एकड़ भूमि और 45,000 रुपए गिरिजा के हाथ पर रख दिए और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। 20 एकड़ जंगली जमीन पर जन्म हुआ आज के NBJ के यानी नव भारत जागृति केंद्र का। वर्ष था 1971, बिहार राज्य का हजारीबाग जिला, चौपारण तहसील और बहेरा गांव। मैं और विद्या सासा सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ते थे। उस समय हम लोगों ने गांधी जी की और विवेकानंद की काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और वहाँ जो प्रीस्ट थे, जो फादर प्रीस्ट थे, उनके साथ भी रहने का मौका मिला। तो हम लोग उनकी किताबें पढ़ करके या जो फादर्स वहाँ थे, जो प्रीस्ट थे, उनके जो जीवन से आकर्षित होकर के हम लोगों ने भी तय किया कि हम बड़ा होकर के इसी तरह का समाज सेवा का काम करेंगे। गांधी जी के साहित्य के साथ साथ हम लोगों ने मार्क्स, लेनिन, माओ ज़ेडुंग वगैरह काफ़ी साहित्य पढ़ा और हम लोग अपने डिटर्मिनेशन में और मजबूत हुए कि हमको समाज के लिए करना है। लेकिन एक सोचने के नज़रिए में थोड़ा फ़र्क ही आया कि हम ये पहले समझ रहे थे कि गांधी जी के विचार से ही सारा काम हो पाएगा, लेकिन हमें लगा कि उसके साथ साथ जो है एक मार्क्स का जो विचार है वो भी बहुत समाज के लिए बहुत प्रभावी होगा। तो हम लोगों ने एक मार्गदर्शन के लिए जयप्रकाश नारायण का साथ लेने का सोचा और उनके पास हम गए। समाज सेवा प्रारंभ करने का कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, आप जिस रूप में चाहें कर सकते हैं। गिरिजा सतीश ने NBJ के संस्था के तत्वावधान में बिहार झारखंड के आदिवासियों, छोटे छोटे किसानों, बंधुआ मजदूरों,
ग्रामीण बेरोजगार युवकों को उनके मानवाधिकारों के प्रति सचेत करना प्रारंभ किया। सरकारी योजनाएं हमारे लिए हैं, ये संपूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। और नारा दिया, सरकारी अफसर मालिक नहीं, ये जनता के सेवक हैं। सरकार को अफसर माननी चाहिए। हर विभाग में हर प्रकार का दुष्कर्म हो रहा है, और फिर सरकार, कैसी सरकार, किस काम के लिए सरकार? चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, खुले आम महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। और साथ ही लोगों को सरकारी तंत्र के जंजाल से मुक्त रहकर अपना विकास खुद ही करने को प्रेरित किया। तो वहाँ हम लोग को ही पता चला कि वहाँ जो भी हुआ थोड़ी बहुत गलती इसकी भी है। तो आप अपने पत्नी के साथ किसी भी तरह से संपर्क कीजिए, लेकिन लड़की ने संपर्क करने के लिए इतराज करती थी। यहाँ तक कि आपसी झगड़ों को गांव के गांव में ही निपटाने पर बल दिया। इस आवाज के साथ कि गांव का झगड़ा गांव में निपटे, पुलिस कचहरी कोई न जाए। ये तो अपना खा पिया चल गया झुमरा। पारिवारिक झगड़ों में, जमीन जायदाद के झगड़ों में लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने और पैसा बर्बाद करने से बच गए। जागृति केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद विश्वास न हो, किंतु सत्य है, 40 जिलों, 120 खंडों और 1800 गांवों में आज लोक समिति का कार्य फैला हुआ है। जिस देश में महिला का नाम हमेशा पुरुष से पहले आता था, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था, बहू को घर की लक्ष्मी और बेटी को देवी पुकारा जाता रहा, उसी देश में स्त्री जाति की ये दुर्गति। लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के कहां गए अधिकार? महिला को सशक्त बनाना ही होगा, समाज की व्यवस्था को बदलना ही होगा। और नवभारत जागृति केंद्र ने ग्रामीण महिलाओं के छोटे छोटे गुट बनाकर ऐसा वातावरण तैयार किया कि अब तक सामाजिक शोषण की शिकार महिलाओं ने आगाह कर दिया, लोक शक्ति जाग रही है, भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है, नारी के सहकार बिना हर बदलाव अधूरा है। रोजी की शान रोजीदार के रखने से बढ़ती है, फकीरी में तो फाका होता है जो किसी सम्मान के काबिल नहीं। बिहार झारखंड देश का सबसे धनी खनिज संपदा वाला क्षेत्र है। विश्व की सबसे कीमती वस्तु हीरा यहीं की खाने उगलती हैं। तो यहीं काला सोना यानी कोयला धरती के पोर पोर पर समाया हुआ है। लेकिन रोजगार की समस्या इतनी विशाल है कि बेकारी ने तो जैसे क्षितिज तक बाहें फैला रखी है। NBJK ने ग्रामीण व लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर एक क्रांति का सूत्रपात किया। सिडबी और KVIC से संपर्क कर अपनी जिम्मेदारी पर लोगों को लोन दिलवाया। वहीं के जंगलों में पैदा होने वाले बांस से डलिया टोकरी बनाना, सीमेंट के कवेलू बनाना, मसाला पिसाई की चक्कियां लगवाना, प्लास्टिक स्क्रैपिंग का छोटा कारखाना एक उदाहरण है। आज हम इतना लेबर को खटाने का काम जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट के माध्यम से ही कर रहे हैं। और मोमबत्ती उद्योग ने अमावस के अंधेरे में डूबे परिवारों को तो जैसे रोशनी ही दिखा दी। लोन हम बैंक से 2 लाख रुपए लिए हैं, 1 लाख रुपए मशीन लगाए हैं और 1 लाख रुपए अपना रॉ मटेरियल के लगाए हुए हैं। यहाँ के लोगों को NBJK ने सिर्फ लोन नहीं दिलवाया बल्कि प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन भी दिलवाया। काम पर गिरना शुरू हो जाता है और 8-9 साल में बहुत आराम उतना गिरना या काम शुरू हो जाता है। 4 वर्ष के अल्प समय में 700 लघु उद्योगों को सहयोग दिया और 1400 नए ग्रामीण व लघु उद्योग केंद्र प्रारंभ किए। सिडबी के अनुसार भारत वर्ष में ये एकमात्र उदाहरण है कि किसी गैर सरकारी संगठन के इतने बड़े अभियान में एक साथ 10-10 राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकें सहयोग कर रही हैं। और आंकड़ों के अनुसार कुल 10.5 करोड़ रुपए का लोन NBJK संस्था के माध्यम से लोगों को दिया गया है। लोक शक्ति के माध्यम से महिलाओं में चेतना जागृत करने के उपरांत उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने की योजना प्रारंभ हुई। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप 10-10, 12-12 महिलाओं के छोटे छोटे गट बनाए और महीने 2 महीने में एकत्रित होने वाले 5 रुपए, 10 रुपए इस गट की प्रमुख के पास जमा किए जाने लगे। छोटे गटों का पैसा संचालक गट के पास जमा हुआ और सारा पैसा एक बैंक खाते में डाला जाने लगा। इस जमा पूंजी का उपयोग गट की इन्हीं महिलाओं की सामाजिक आवश्यकता के लिए लोन देकर किया जाने लगा। नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा से हम लोग एक समाज बनाए, बैठक करके महिला सब मिल के हम लोग
बचत करते हैं। जो पहले महाजन हम लोग करते थे दूसरे यहाँ जाकर, अब वो नहीं करना पड़ता है। हम लोग यही बचत करके आपस में लेन देन करते हैं। 10-10 रुपया सप्ताह में जमा करते हैं और जो भी लेन देन जो गरीब आदमी है उसको देखभाल करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा करता है उनका भी देखभाल करते हैं। महिला मंडल में हम लोग बहुत सुधार हुआ है महिला समाज में, महिलाओं सबको, और बहुत जागृति भी हो रही है। दीपनी देवी हमारी ग्रुप में थी, वो बहुत तबीयत खराब हो गया उसका। अभी दूसरे के पास जाते उसका सीरियस था, जो दूसरे के यहाँ जाते तो लेट हो जाता, और हमारे यहाँ जमा था उसको हम लोग निकाल के दे दिए 4,000 रुपया। शादी हुआ यहीं इन्हीं का घर ज्योति ग्रुप की थी, वो उसको 10,000 हम लोग निकाल के दिए। विवाह सगाई, घर के सदस्य की बीमारी, खेती का बीज, गृह उद्योग संचालन, चाहे कैसी आवश्यकता हो, महाजन की चौखट नहीं देखनी पड़ती। 10 रुपया सैकड़ा ब्याज गुजरे जमाने की बात हुई, क्योंकि 15,000 आदिवासी हरिजन और पिछड़ी जाति की इन महिलाओं का बैंक बैलेंस है 2,60,00,000 रुपए। आपको पैसा चाहिए, हम देते हैं। हंसिए मत, अब परिवार के पुरुष हम महिलाओं की चिलम भरते हैं। इन्हीं पैसों के दम पर खड़े हैं यहाँ के मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन जैसे कुटीर उद्योग, जिन्हें ये गट स्वयं संचालित करते हैं। इनके हौसले तो तब सामने आए जब 19 लाख की बहुउपयोगी जेसीबी मशीनी खरीद ली, जो इनके अपने काम तो आती ही है, किराए पर भी प्रति घंटे के हिसाब से दी जाती है। इन गटों ने महिलाओं में आपसी प्रेम भावना का विस्तार किया और जात पात की गांठें ढीली पड़ गईं। इतनी ढीली कि सदियों से छुआछूत बरतने वालों और हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के लोगों में शादियों के बंधन बंधने लगे। सामूहिक अंतरजातीय विवाह समारोह में 600 जोड़े तो गत वर्ष ही गठबंधन में बंधे हैं। जागृति केंद्र का मानव जोड़ा अभियान आपो आप सफल होने लगा और नव भारत जागृति केंद्र NBJK ने आदिवासियों की उन बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया जो जंगलों में लकड़ियां बीनती फिरती या यूं ही बेकार रहती थीं। ये बालिकाएं अब एक नई दुनिया से जुड़ रही हैं, अपनी संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखते हुए। विकास की धारा से जुड़ने पर इनके परिवारजन भी खुश हैं। हम लोगों ने एक बोधगया में अनाथालय शुरू किया है, जिसमें अभी 50 बच्चे रहेंगे और अगले वर्ष फिर 100 बच्चों को रखना है। उसमें ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको देखने वाला नहीं है। सिर्फ ग्रामीण या जंगली क्षेत्र में ही जागरण नहीं, क्योंकि लोग तो शहरों में भी रहते हैं, लेकिन शहरों में गंदगी का साम्राज्य विशाल है। अतः क्यों न सफाई के प्रति जागृति की जाए, तब फिर करेंगे लोक जागृति। झारखंड की राजधानी रांची को क्लीन झारखंड योजना का पहला चरण बनाया गया, घर घर से कूड़ा उठाने की अनोखी योजना। सफाई कर्मी का नाम सफाई मित्र, उस पर भी लोगों का ऐसा सहयोग कि प्रत्येक घर से 20-30 रुपए प्रति महीने सफाई कार्य के लिए अनुदान। योजना ने ऐसी गति पकड़ी कि 3,50,000 रुपए प्रति माह एकत्रित होने लगे। रांची नगर निगम आगे बढ़कर NBJK का सहयोग करने लगा। क्लीन झारखंड की तरफ से जो यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया है वो काफी सक्सेसफुल है और बहुत ही पब्लिक की कोऑपरेशन उनके साथ हो रही है और सफाई के लिहाज में काफ़ी अच्छा है। म्यूनसिपैलिटीज़ भी जो पिछले कई सालों से है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है, उसकी जगह में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम लोगों के मोहल्ला और हम लोगों को कोजी कॉर्नर बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा नज़र आ रहा है। अपने 300 सफाई मित्रों के साथ रांची की 60% आबादी तक क्लीन झारखंड की पहुँच है। अब लक्ष्य है संपूर्ण बिहार झारखंड से होते हुए क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का। तो तैयार रहिए, हो सकता है कचरा लेने हम आपके घर भी आ पहुंचे। रास्ता लंबा हो और लक्ष्य हो बड़ा तो छोटे बड़ों को तो साथ लेना ही पड़ता है। गिरिजा सतीश ने छोटी छोटी 150 संस्थाओं व संगठनों को ट्रेनिंग तथा आर्थिक मदद देकर साथ जोड़ा। स्ट्रेटेजी, सोशल ऑडिट, स्टॉक मैनेजमेंट, लगभग सभी पॉइंट आ गया है उसमें।
कार्य योजना के लिए साहित्य भी प्रकाशित करवाया और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विशेषता ही है कि संस्था ईद जैसे मौके पर सभी लोग समान रूप से भाग लेते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस इफ्तार पार्टी में हमारे उपायुक्त महोदय भी आए हैं। महिला पुरुष एक साथ, प्रशासन के कारिंदे चार चांद, हिंदू मुस्लिम एक जान, चांद दिखते ही रोजे की अजान। और आगे भी सद्भावना का एक माहौल रहेगा और हम सभी लोग मिलकर के सभी तरह के पर्वों को मनाएंगे और मिलजुल कर रहेंगे, इसीलिए इफ्तार का आयोजन किया गया है। ये संस्कार बच्चों में हो तो कैसा हो। गिरिजा सतीश ने संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों में ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो बच्चों के अनुरूप हो, जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास करे, लेकिन संस्कारों की कमान ढीली ना पड़े। असुरक्षित यौन संबंध से होता है, गर्भवती माँ के द्वारा बच्चों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य उदयमान होते नव भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और यहाँ के हर विद्यालय को नालंदा। 5 उच्च माध्यमिक, 3 माध्यमिक, 25 प्राथमिक और 1 आवासीय प्राथमिक बालिका विद्यालय होने पर भी दिन ब दिन इन स्कूलों में पढ़ती विद्यार्थियों की संख्या एक चुनौती होती जा रही है, जगह कम पड़ती जा रही है। आखिर हम चाहते भी तो यही है। कहते हैं आंखें बोलती हैं, कभी कभी डोलती हैं, आंखें हंसती हैं, कभी कभी रोती हैं। कहते हैं आंखें मारी जाती हैं, लेकिन कभी कभी आंखें मर भी जाती हैं। लेकिन ये आंखें ही ना हो तो कही गई सारी बातें सफेद झूठ हो जाती हैं। बचपन में गई रोशनी या बुढ़ापे में धुंधलाया तारा दुनिया को रंगीन से रंगहीन बना देता है। एनबीजे के ऐसे लोगों की आंखों का नूर लौटाएगा जो नहीं दे सकते डॉक्टरों की मोटी फीस और ऑपरेशन का भारी भरकम खर्चा। अभी एक हम लोग चौपारण में एक आंख का अस्पताल भी शुरू कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में कैटरेक्ट की बहुत गंभीर समस्या है, आसपास में कोई अस्पताल भी नहीं है, तो वहां पर हम लोग एक अच्छी सेवा देंगे और कम खर्चे में उसमें एक अच्छी सेवा हम लोग देंगे। 6 करोड़ की लागत, अत्याधुनिक उपकरण, उच्च शिक्षित डॉक्टर और एक साथ 4-4 ऑपरेशनों की क्षमता वाला ये आई हॉस्पिटल एनबीजेके को जन जन की आंखों में बसा देगा। समाज में कोई ना रहे अछूता, कोई ना रहे भूखा, हमें भी जीने का अधिकार है। न जर चाहिए न जमीन, हमें तो दिलाना है आपको यकीन, हम किसी से कम नहीं, जरा सहारा तो दीजिए। ये जीवित चित्र हमारे समाज का अंग है लेकिन अलग थलग, आम आदमी गौर नहीं करता। मंद बुद्धि और मानसिक विकलांग बालकों की एक बड़ी संख्या है हमारे समाज में, इन्हीं को सबल बनाने का एक प्रयास किया है एनबीजेके ने, स्पंदन। स्पंदन है दिल से दिल तक जुड़े हुए अदृश्य तारों का स्वर, जहां जन्म लेता है मानवता का 8वां स्वर। छोटी छोटी चीजों के लिए इन्हें भी लड़नी पड़ती है लड़ाई प्रशासन से, हम यहाँ भी उनके साथ हैं। जितने विकलांग लोग हैं गांव में उनको हम लोग, और गरीब हैं उन लोग को हम लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम, उनका चयन करें। आखिर इन्हें भी तो चलना है कंधे से कंधा मिलाकर। संस्था के द्वारा विकलांग लोगों के प्रति विशेष तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उनको संगठित किया जा रहा है, क्योंकि सभी विकलांग लोग यहाँ पर जिला स्तर पर हमारे पास समस्या लेके नहीं आ पाते हैं,
तो ये संस्था के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं और संस्था एक साथ हमारी सभी प्रस्तावों को हमारे पास तक पहुंचाती है। तो इस तरह संस्था इन विकलांगों के प्रति अच्छे कार्य कर रही है और इस बात के लिए ये बधाई के पात्र भी है। किसी को हो न हो, हमें विश्वास है भले ही पत्थर टूटता आखिरी चोट से है, लेकिन पहले की चोटें बेकार नहीं जाती। नव भारत जागृति केंद्र के माध्यम से गिरिजा सतीश के ये प्रयास किसी व्यक्ति, जाति, स्थान विशेष के लिए नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और थार की रेगिस्तान से अरुणाचल की वादियों तक बसे एक एक प्राणी के उद्धार का सपना है। जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार।